गलती से ना पापा कि पापा ना इस पर गलती से उन्होंने ऐसे बाजू से पकड़ा था, उन्होंने मम्मी जैसा हैंडल से नहीं पकड़ा था, इसके लिए उनको ना हाथ में लग गए, देखो ऐसे ऐसे फिंगर में ऐसे ऐसे करे तो उनको ना जल गया है। डैडी दिखाओ फिंगर्स, ये देखो ये मिडल फिंगर और एक वो सिस्टर फिंगर को लग गया। तो अभी मैं नीचे आया हूँ और डांस कंपटीशन चल रहा है बच्चों का। मेरे तो हाथ में बहुत लगा हुआ था लेकिन अभी अच्छा हो गया है, बट थोड़ा बहुत अभी भी है, हल्का सा है लेकिन पहले जैसा नहीं है। आसपास से आरती हो रही है तो आवाज़ भी बहुत आ रहा होगा, म्यूजिक भी बहुत चल रहा है उसका, तो बाद में मैं मिलता हूँ। मैं एकदम एक झाड़ियों के बाजू में एकदम मस्त बैठ गया हूँ एकदम गेट पे, अच्छा सा मेरा फ्रेम आएगा इसके लिए। आज है नवरात्रि का फोर्थ डे है, ये देखो मेरे दोस्त हैं और ब्लॉग में आज पहली बार, ये मेरे फ्रेंड है, देखो गरबे में भी गुजराती है और लेट आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी आगे भी ऑफिस से आएंगे, आप आओ आओ नीचे आओ, फिर सही टाइम पे आके भी करेंगे। चलो आ तो आओ, तो ये हम लोग सब अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ शुरू हो गया, ઉપર ચડી ટેબલ પર ચડી અને આરતી કરે છે। તો અભી હાથો મે યે હાલત હે પૂરા, દેખો યે યહાં પે એસા હો ગયા હે, હા થોડા સા મતલબ જો પેન થા વો પૂરા કમ્પ્લીટલી બંધ હો ગયા હે, લેકિન મુજે લગ રહા હે કે યે યહાં પે જો ફોલી ફૂડી ફૂડી હોતી હે ના વો જબ અંદર પાણી ભર ગયા હે વો અગર ફૂટેગા ના તો ઓર મુજે જે થોડા સા પેન હોગા। बट आज है नवरात्रि का कौन सा है, आज डे फाइव ना अर्पिता, डे सिक्स है, तो आज डे सिक्स है। अभी लंच का टाइम हो गया है, हम लंच करेंगे, थोड़ा सा ऑफिस का काम है वो ख़त्म करेंगे, शाम को वापस वही। कल तो नवरात्रि में बहुत मज़ा आया और हमारे जो घर बिल्डिंग में है ना इतने टैलेंटेड बच्चे हैं ना, कल उन लोगों ने इतना डांस किया, ग्रंथ ने डांस किया, उसके फ्रेंड ने डांस किया, काफ़ी सारे लोगों ने डांस किया था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे ये एकदम से जो टैलेंट होता है ना सोसाइटी का वो निकल के बाहर आ गया वैसा था। तो कल तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर तक हम लोग मतलब बैठे थे, आरती पूजा सब किया, हम लोग दिन में दो बार आरती करते हैं, घर में भी करते हैं और बिल्डिंग में भी करते हैं, और तो मज़ा आया। और इन लोगों ने गरबा खेला, थोड़ा सा ये पता नहीं पुलिस का रिस्ट्रिक्शन रहता था लेकिन पुलिस अभी तक कभी भी आई नहीं एक भी बार, तो अच्छी बात है। लेकिन एक लिमिटेशन टाइम है कि 10 या तो 10:30 बजे हम लोग म्यूज़िक बंद कर देते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, बातचीत होती है, क्योंकि क्या होता है ना ये फेस्टिवल ही है जब हम पूरा बिल्डिंग एक साथ नीचे मिलना जुलना होता है, अदरवाइज़ किसी के पास टाइम नहीं होता, लोग काम करना शुरू कर दिया, काफ़ी सारे लोगों के ऑफिस खुल गए हैं,
मेरा भी खुल गया है, लेकिन हम लोगों का ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें ऑफिस जाना ही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से शायद कंपलसरी ऑफिस चालू हो जाएगा। आज खाने में क्या है? खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी है, छाछ है, भिंडी भिंडी का सब्जी है, रोटी है, रोटी है। और ये देखो एक तरफ क्या ट्यूशन चालू है उसका कि बंद हो गया? नहीं बंद हो गया। अच्छा, अदरवाइज है ना कभी कभी ये स्कूल चालू रहता है। और ये देखो क्या चल रहा है? ये देखो गाइस सामने ना बोर्ड दिख रहा है, बहुत बड़ी है। ये देखो मैंने अभी उसको जाते हुए देखा था, अभी है ना देखो यहाँ पे ग्रीन है, वहाँ पे ना सूखा सूखा कलर चेंज हो गया है, अदरवाइज वहाँ पे पूरा पूरा ग्रीन था। मतलब दिन में है ना बहुत धूप, अभी गर्मी शुरू हो गई है। और यहाँ पे ना जब से नवरात्रि शुरू हुआ है तब से ना रात को मतलब जैसे ही 6:30 होता है ना तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है, पूरा मानसून। मतलब ऐसा धमाकेदार बारिश होता है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। दिन में फुल गर्मी और रात को गरबा जब होता है ना उसके आसपास में ही बारिश शुरू हो जाता है, मतलब एवरी डे। तो क्या होता है ना हम लोग है ना थोड़ा वेट करते हैं, फिर वो आधा एक घंटा गिरता है, फिर बंद हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। बाकी आरती वारती तो जब होता है तभी ड्रिजलिंग होता ही रहता है, वैसा है। वेदर कैसे चेंज हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ये देखो काफ़ी बड़ा शूटिंग चल रहा है इधर मेरे घर के पीछे, बहुत ही बड़ा शूटिंग चल रहा है। ए वो बताएगा, मैं वो लिंक भेजूंगा आपको। देखते हो आप, देखते हो कभी? हाँ ये आपका जो बोलने का स्टाइल है ना, मेरा एक दोस्त है सेम बोलते हैं ऐसा, अगर मैं आंख बंद कर दूँ ना तो मुझे लगेगा सामने वही बैठे हैं। बट वो उड़ीसा उड़िया है, वो उड़िया है वो। हाँ नेक्स्ट नंबर इज 5। नेक्स्ट नंबर इज 80। हो गया नंबर चल गया। और हाँ ग्रंथ को पता है लास्ट टाइम जो एक शूज मंगाए थे वो छोटे पड़ रहे थे, तो हम लोगों ने दूसरा मंगाया उसके साथ ये क्या सुपर है ना ये। बट इसमें ऐसा हो रहा है कि उसको हल्का सा लास्ट वाले से थोड़ा बड़ा है, बट और बड़ा चाहिए था हमें। बट अभी मैंने देखा उसका 37 नंबर है तो 38 चाहिए, और पिछले वाला 36 मंगाया था, तो फिर भी अभी कंफ्यूज है क्योंकि अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है ऐसे शूज। क्या लग रहा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा शूज है ना ये। तो देख रहे हैं अभी हम लोग मंगा रहे हैं, अगर नहीं मिला तो फिर
इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को डर है कि एक दो महीने में ग्रंथ का पैर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये छोटा ना लगे। कल रात को और मतलब शाम को इतना बिल्डिंग में इतना मजा आया, हम लोगों ने डोसा वोसा सब खाया था, हम लोग एवरीडे हम लोग स्पॉन्सर मतलब कोई ना कोई रहता है तो मंगा ही लेता है वो, तो वो सब था। और पता नहीं अर्पिता मुझे आज बोल रही थी सुबह के इस बार नवरात्रि में अच्छा मतलब मजा आ रहा है, मतलब फन है प्रॉपर। हम लोगों का गाइडलाइन है महाराष्ट्र का कि आप ज्यादा मतलब गरबा खेल नहीं सकते हो, बिल्डिंग में ये सब थोड़ा सा चल रहा था, बट फिर भी हम लोग वही छोटे से टाइम में हम लोग मैनेज करके बच्चे लोगों को गेम वेम खिलाते हैं ये सब करके, हम बड़े लोग भी गेम खेलते हैं। कल तो हम लोगों ने भी गेम खेला, म्यूजिक चेयर खेला, तो ये सब में बहुत मजा आया हम लोगों को और अर्पिता को भी बहुत मजा आया। ग्रंथ तो एनीवेज वो तो क्यों, ये अच्छी लग जाए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं बहुत जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन न्यू ब्लॉग।